तो गाइस निकल रहे हैं हम धनुषकोटी के लिए, बट अभी ये नहीं पता, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पे एक घंटे में एक ही बस चलती है धनुषकोटी के लिए। तो जस्ट अभी हमारे सामने बस निकल गई, हम लोगों को पता नहीं था। अब देखते हैं आगे बस हमें कहाँ से मिलेगी, या देखते हैं ऑटो, देखते हैं गाइस, क्योंकि एक घंटा वेट करने का तो कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सूरज बहुत जल्दी गर्मी लगने लगती है, ह्यूमिडिटी काफ़ी है। यहाँ पर मैं श्री सतनाम साक्षी के घाट पर, जो काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है, इन्हीं के नाम पे घाट 7/10/2010 में बना। प्राइस रेट भी है इस बोर्ड पर, और ये इस पर डेट मेंशन है ऊपर की तरफ। ये श्री रामानाथ स्वामी टेम्पल का मेन गेट है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इसके काफ़ी और भी गेट हैं, 3 या 4 आई थिंक इसके अलावा, बट ये मेन गेट है। तो आप देख चुके हैं टेम्पल के, काफ़ी अच्छा खूबसूरत व्यू है। इनसाइड कैमरा नॉट अलाउड है इस मंदिर में, कहीं भी कैमरा है, मोबाइल हम कुछ नहीं ले जा सकते हैं, सिर्फ आउटसाइड ही हम शूट कर सकते हैं, अंदर कुछ भी अलाउ नहीं है। तो गाइस आपको बस जो दिखा सकते हैं हम यहीं से दिखा सकते हैं। तो गाइस दिस इज़ द अनदर गेट, ऐसे मिला के 4 गेट एंड दिस इज़ द बोर्ड। इस पर आप देख सकते हैं क्लियरली लिखा है साउथ वे दक्षिण मार्ग, और इस पर लिखा है तीर्थ स्थान उत्तर मार्ग द्वारा चलें। अगर आपको स्नान करके जाना है तो उत्तर मार्ग से जाएं, नॉर्थ वे से, ये साउथ वे है। तो गाइस चल रहे हैं आगे, देखते हैं, एक्चुअली एटीएम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। आगे दिख तो रहा है एक बोर्ड लगा हुआ एटीएम का, देखते हैं वहाँ पे जाना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली कैश नहीं है, नॉट इन कैश। तो गाइस देखते हैं आगे, या हाउ मच, कितने लोग हैं? 4% ओके, हाउ मच? राम सेतु तनुषकोटी 15 पॉइंट जाना कि राम सेतु सेतु जाना? ओनली 3 पॉइंट्स। हाउ? 3 पॉइंट्स 800 रुपीज़। ओके, पूरे पॉइंट 1200 रुपीज़ बोलता है, 1200 रुपया बोलता है, 1000 रुपया दे दो, 200 रुपया कम। हाउ मच टाइम? ऑल ओवर 3 आवर्स, 3.5 आवर्स, 3 आवर्स नॉर्मल लगता है। ओके, आधा घंटा एक्स्ट्रा दे देंगे। यमा स्कूटर यमा, हाँ, हाउ मच, मतलब कितने ज़्यादा क्यों है यहाँ पर यमा स्कूटर? यस वाई वो अपने अपने यूज के लिए रखता है, मतलब हाउ, मतलब बहुत ज़्यादा, एनी अदर कंपनीज, होंडा एक्टिवा, टीवीएस जुपिटर, ऐसे मेरे पास होंडा है। ओके, बट एक्चुअली सही है मेरे पास। ओके, बट एक्चुअली हमने देखा जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यमा गए हैं, ऐसा कोई रीज़न नहीं? नहीं ये नहीं, अब एक दो तो ऐसे दिख जाएंगे, बट हमने जो टोटली ओवरऑल देखा है, नहीं 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 सारे गाड़ी है यहाँ पे। ओके, ऐसे कोई रीज़न नहीं यहाँ पे इसका। हम लोग जा रहे हैं अब धनुषकोटी, बस का हमने पता किया था गाइस, एक घंटे में एक ही बस चलती है, तो हमने सोचा ऑटो ले लिया जाए। बस में एक्चुअली क्राउड भी काफ़ी होता है, हमने सोचा प्राइवेट ऑटो ले ले तो ईजिली जाएंगे। 1000 रुपीज़ है इसमें, 15 विजिट प्लेस करवाते हैं, 3 प्लेसेस दिस साइड एंड 12 प्लेसेस दिस साइड, टोटल 15 प्लेसेस टू विजिट, 1000 रुपीज़। सीता माँ को लेके गया था तब रावण को कितना था, कैसा है वो, कैसा आदमी है। ओके, करके यहाँ आँख है राम शरण पादुका, यहाँ से खड़े होके लंका को देखा बोलता है राम जी ने। ओके, वही राम जी का शरण पादुका यहाँ पे। ओके, यहाँ पे दिखता है, यहाँ राम जी को दिखा था हमको। okay. दिखता है कि ये कच्छदीप है। ओके, okay. कभी कभी क्लेमेट के विशेष। ओके, okay. वो श्रीलंका बॉर्डर में। ओके, okay. वो दिखता है, नहीं तो पूरा रामेश्वरम का आइलैंड दिखता। राम जी की शरण पादुका है जिसे हम देखने जा रहे हैं। वेरी ब्यूटीफुल व्यू है गाइस, काफ़ी अच्छा लग रहा है अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। आइए नीचे दर्शन करते हैं, रामचरण पादुका के दर्शन करके आए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा था हमें वहाँ गाइस, वहाँ पर बहुत ही अच्छा मंदिर बना था गाइस, राम जी के चरणों को हम लोग ने देखा, चरण पादुका रखी हुई थी वहाँ पर, बना हुआ था। यहाँ पे साक्षी हनुमान है, साक्षी हनुमान राम जी लंका को सीता माँ को ढूंढने के लिए उनके अंगूठी देके भेजा था, अंगूठी देके भेजा था, ये साक्षी हनुमान है यहाँ से, वो कंदमान पर्वत है वहाँ से राम जी देख के यहाँ आके हनुमान जी को लंका भेजा था, वो अपने अंगूठी को पुश करके आसमान की तरफ उड़ के गया था लंका।
गाइस आ चुके हैं हम लोग बाहर, अंदर से दर्शन करें। काफ़ी अच्छा और शांत नज़ारा था, काफ़ी अच्छा लगा। अन्ना कट करते हुए, दिस साइड आराम से ना, क्या कर रहे हो? बोलो ना, बोलो। अरे स्कॉटी, यस। 1964 से पहले, यस। बना सिटी का स्कॉटी का नाम सुना था? ओके। यहाँ रेलवे स्टेशन था, ओके। हार्बर था, ओके। पोस्ट ऑफिस था, सब कुछ यहाँ पे था। तो अन्ना अब यहाँ पे रेलवे स्टेशन तो अभी भी होगा, बट क्लोज होगा। हो गया, रेलवे स्टेशन का निशाना है दीवार। ओके, और पटरी, रेलवे ट्रैक? हाँ, ट्रैक है। ज्यादा भी होगा अन्ना यहाँ से ज्यादा तो निकाल दिया पूरा, यहाँ से पूरा निकाल दिया। ओके, वहाँ पे सीमेंटेड वाला आपको पता चलेगा। ओके, धनुषकोटी पहुँचने वाले हैं, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर लेफ्ट। सामने आप देख सकते हैं लाइट हाउस बना है, जस्ट नया बना है लाइट हाउस, अभी ओपन नहीं हुआ है, बट काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो गाइज ये है धनुषकोटी का रेलवे स्टेशन, जो 1964 तक संचालित था, बट अब क्लोज हो चुका है। 58 ईयर्स को पहले ये चालू था। सीमेंटेड ट्रैक होगा क्योंकि उस टाइम पे कोयले वाली ट्रेन ज़्यादा चलती थी हमारे मतलब वही चलती थी इंडिया में। तो दिखाते हैं गाइज आगे, और यहाँ पर एक टेम्पल भी है जहाँ पर भगवान राम जी ने अर्चना पूजा की, जी शिव जी की। जैसा कि आप देख सकते हैं यही है वो स्थापना जहाँ पे राम जी ने की थी, शिव जी की, जिस पे आराधना की थी राम सेतु के लिए। ये है बंगाल की खाड़ी, इधर हमारे लेफ्ट साइड पे हम, और देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छा है, काफ़ी शांत है बंगाल की खाड़ी। और हम अपने राइट साइड पे आते हैं तो ये है इंडियन ओशन, आपको दिख रहा होगा गाइस, काफ़ी चहल पहल है इस ओशन में, काफ़ी लहरें हैं, जहाँ की बंगाल की खाड़ी काफ़ी शांत है और यहाँ पे काफ़ी लहरें हैं, काफ़ी अच्छा। हेलो